दो मुलजिम अभी फरार है और वो जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे हम, और पूरी इस रैकेट के बारे में उसी जानकारी करके इसमें और आगे बड़ी कार्रवाई करेंगे। कहाँ ले जा रहे थे ये सारी शराब? अवैध कंजप्शन के लिए लाई जा रही थी मैनपुरी में ही, और ये शराब बहुत बड़े पैमाने पर पंजाब से निकलती है और अरुणाचल के नाम से निकाली जाती है, और लोकल कंजम्पशन में ये इस्तेमाल होता है अवैध तरीके से। कितनी कीमत की होगी लगभग सर? लगभग 7 लाख ऊपर की शराब है ये, और 320 पेटी करीब शराब ये रिकवरी हुई है, और इसमें और भी आगे हम कार्रवाई करेंगे। और पहले भी शराब माफियों के खिलाफ काफ़ी हम उन्होंने कठोर कार्रवाई की है, हमारी कार्रवाई लगातार चलती रहेगी और इसको बिल्कुल ध्वस्त करने का हमारा प्रयास जारी रहेगा।